2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे और प्रचार जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक की। इसमें 28 पार्टियां शामिल हुई। उन्होंने अपनी पार्टी की लाइनें प्रस्तावित की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव इस सुझाव से नाराज नजर आए। इतना ही नहीं, दोनों नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए और बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल भी शामिल नहीं हुए थे। अब इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है। सूत्रों ने बताया है कि मंगलवार की बैठक में नेताओं के बीच सौहार्द का अभाव नजर आया। इससे पहले की बैठकों में आपसी तालमेल काफी सकारात्मक नजर आई थी। इंडिया गठबंधन की पिछले 3 बैठकों के विपरीत कई क्षेत्रीय दलों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। बैठक खत्म होते ही ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और जयंत चौधरी कार्यक्रम स्थल से चले गए। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब विपक्षी गठबंधन की बैठक में पार्टियों के बीच खींचतान दिखी हो। पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। इस बैठक का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। हालांकि बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल नाराज नजर आए थे। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए 26 पार्टियां एक साथ आई थी। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था और इस नाम को लेकर नीतीश कुमार नाराज नजर आए थे। मंगलवार को हुई इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक में सीट बंटवारे, संयुक्त अभियान का खाका और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन यहां मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित करने को लेकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाराज हो गए और बैठक के बीच से ही चले गए। बता दें, इंडिया के सामने सीट बंटवारे की बड़ी चुनौती है। एक तरफ पीएम चेहरे को लेकर खींचतान है तो वहीं सीटों का बंटवारा भी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे पर गठबंधन में सहमति बनाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। इससे पहले दिल्ली में आप कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस, एमपी में सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार नजर आ चुकी है।